और ये अब दिल्ली की बात करें तो ये तो घोटालेबाजों की सरकार रहा है। ये आते के साथ अन्ना हजारे के सामने क्या क्या कसम खाया, ये करेंगे हम नहीं करेंगे, हम मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। कहाँ से आप? कहाँ से? हम तो यही थे। हाँ, हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो हम एकदम ये करेंगे, चोरों को पकड़वाएंगे। ऐसा नहीं कहा था कि हम खुद चोर बन जाएंगे। आज सारे मंत्री उनके जेल में हैं और ये भी हो सकता है कि 10 दिन 15 दिन के अंदर ये भी चले जाए जेल। अभी फैसला तो नहीं आया ना? आने में कितना देर लगेगा? ऐसा नहीं है कि वो 1 साल 2 साल होगा, महीना 15 दिन 20 दिन के अंदर आना ही आना है। आरोप लगे हैं अभी तो तय होना बाकी है, तो उनके जो भी मंत्री पे लगे हैं आरोप वो सच के बुनियाद पे ही जेल में है। ऐसा नहीं है, अन्ना हजारे के सामने कसम खाया करते थे पब्लिक। दिल्ली का भाई साहब, दिल्ली का व्यवस्था ऐसा चौपट कर दिया इन्होंने जब से सरकार आया। आज जितने भी टैक्सी वाले हैं मीटर कवार के बिक दिया लोग, कोई व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था नहीं है, कोई टैक्सी में कोई ऑटो में मीटर नहीं है। मनमाना बाहर से विदेशी लोग आते हैं, उनसे मनमाना भाड़ा किराया ले रहे हैं, ठग रहा है, गुंडागर्दी। आप चांदनी चौक में अगर हो, चांदनी चौक में अपना मोबाइल बचा कर जाना होगा, पार करना होगा। पहले ऐसा नहीं था, ये इतना गुंडागर्दी बढ़ गया है। ऑटो और ये तो ज़्यादा त्रस्त है, लोग रिजर्व करो, मनमाना सुबह लेगा 80 रुपया कभी। केजरीवाल जी वही तो कहते हैं कि पुलिस तो इनके हाथ में, बीजेपी के हाथ में। पुलिस व्यवस्था किसके हाथ में है? व्यवस्था किसके हाथ में है? कानून की जो व्यवस्था है वो तो यहाँ दिल्ली सरकार देख कौन रहा है, दिल्ली सरकार चला कौन रहा है? आज ऑटो कौन चलवा रहा है, बस कौन चलवा रहा है? ये लोगों को चुतिया बना करके महिलाओं को फ्री कर दिया बस में। आपको अगर अपनी बात मनमानी हो केजरीवाल साहब को, हैं, तो वो धरने पे बैठ जाता है, मिनट से पहले सड़क पे आ जाता है। और अगर देश के लिए कुछ करने को नंबर आ जाए, जनता के लिए कुछ आ जाए, तो वो फिर है ना अपने लोगों को बचाने के लिए घूमता है। जैसे आज वो संजय सिंह के पीछे घूम रहा है, ये संजय सिंह कितना बड़ा नेता था, कहाँ से आया है बताना जरा मुझे। कल तक इसे बोलने की तमीज नहीं थी, आज वो राज्यसभा का सांसद बना के भेज दिया। अपने मुँह से कह रहा है मैंने 1.5 करोड़ रुपये की 2 जगह से रिश्वत ली है, समझे? और वो कह रहा है ना बेमतलब बता दिया, सत्येंद्र जैन को वैसे बता दिया, मनीष सिसोदिया को वैसे बता दिया। तो ये गलत काम नहीं कर रहे हैं, मतलब ये सही काम कर रहा है और मोदी जी गलत काम कर रहे हैं। मोदी जी ने अगर जांच बढ़ा दी और जांच राइट है और वो जेल जा रहे हैं तो वो खिलाफ बैठ गए उनके आगे जा करके। तो जब तू एक बात चीज़ नहीं समझ रही है, 53 करोड़ का बंगला बंदा लेके बैठ गया, जो कल तक उसका है ना कह रहा था मैं तो मेट्रो से चला जाऊंगा, उससे चला जाऊंगा। बैगन आर से चलते थे और उस शुरू में कसम खाया मैं बैगन आर से ही चलूंगा, और आज उनका बंगला जाकर देखो बंगला में क्या है। सीएम है दिल्ली के, क्या दिक्कत है? क्या सैलरी है मुख्यमंत्री का भाई साहब? मुख्यमंत्री का सैलरी क्या है? या फैसिलिटी उतना 8 अरब रुपया का फैसिलिटी नहीं है उनका रहने के लिए? जो दिल्ली को तो सरकारी भवन है उनका तो नहीं, अपना तो नहीं है। व्यवस्था चौपट है दिल्ली का। हमारे पीएम साहब किस में रह रहे हैं? हमारे पीएम साहब किस में रह रहे हैं आप ये तो बता दीजिए, उनका ताजमहल कहाँ है? पीएम साहब का ताजमहल कहाँ है? तो जैसे हमारे पीएम साहब रह रहे हैं ऐसे केजरीवाल साहब को रहना चाहिए था। सच तो ये है। बात कर लेते हैं 2 मिनट। केजरीवाल ने शीला दीक्षित पे आरोप लगाया था, उसके घर में 16 AC लगे हुए हैं, वो भ्रष्टाचारी है। अब उसके घर में कितने AC हैं? केजरीवाल के घर में कितने AC है? 16 AC वाली अगर भ्रष्टाचारी थी और कहते मैं गिरफ्तार कराऊंगा, वो तो ऊपर चली गई। अन्ना हजारे की ईमानदारों की सरकार है, आप कैसे कह देते हैं? अन्ना हजारे की समय ईमानदारों की सरकार है। कौन सी ईमानदारों की, कौन सी सरकार की बात कर रहे हो? केजरीवाल की या केंद्र की? केजरीवाल की सब बिल्कुल भ्रष्ट है। आरोप लगे हाँ जी, कह रहे हैं CBI DI इनके हाथ में है, अंदर किए जा रहे हैं सभी को। किसके? केंद्र के हाथ में ही होगी ना, तो उनके हाथ में है तो अंदर भी किए जा रहे हैं ना, कह रहे हैं। एक बात बताइए मुझे, अखिलेश के एक मिनट जी, चोरी करेगा तो अंदर नहीं जाएगा क्या? चोरी करेगा तो अंदर नहीं जाएगा क्या? गलत काम करेगा तो अंदर नहीं जाएगा क्या? ये क्वेश्चन ये उठता है कि कह रहे हैं कि बीजेपी का एक भी नेता नहीं है, बीजेपी का नेता एक भी नहीं है, ये क्या मतलब हुआ? एक मिनट मेरे पास आओ, अब अखिलेश के घर तो नहीं गई ईडी अब तक, मतलब उसके अंदर कोई कमी नहीं मिल रही है, ठीक है ना? उसके आदमियों के घर गई, हिमाचल के वीरभद्र सिंह के घर नहीं गई, गुजरात के किसी कांग्रेसी के घर नहीं गई,
अरे जहाँ कमी दिखाई देगी वहीं तो जाएगी। शंकर सिंह बाघेला का नाम लो ना, शंकर सिंह बाघेला बैठा गुजरात में, उसके घर क्यों नहीं गई है? इसीलिए नहीं गई है क्योंकि उसने कोई घोटाला नहीं करा है। केजरीवाल घोटाला पे घोटाला करे जा रहा है और जनता को बेवकूफ बना रहा है। बोले दो इन्होंने बत्ती को भैया फ्री दे दो इनको, इनका मुंह अपना बंद हो जाएगा। अभी 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 जो बात चल रही है, परेड मारी जा रही है ईडी की सीबीआई की, चुनाव सर पर है। अरे साहब सीधी सी बात है, जो गलत करेगा वो उसके लिए ही जेल बना है, जो गलत करेगा उसके लिए। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के शासन जब था तो कोई जेल में नहीं जाता था, उस समय ईडी या सीबीआई नहीं था, ऐसा नहीं था, उस समय भी जाता था। आज अगर केंद्र में बीजेपी सरकार है और पूरे इंडिया में जहां भी गलत होगा वो तो जाएगा ही जेल में, जेल में जाएगा। क्या लगता है आप क्या बोल रहे थे भाई? हम तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, या ये बंदे ने करा केजरीवाल, क्यों गलत है केजरीवाल? केजरीवाल ने क्या नहीं करा बताओ? दिल्ली के अंदर किसी टाइम पे चलने का, शीला दीक्षित के टाइम पे यहाँ कोई चलने का रास्ता नहीं था। आज केजरीवाल के राज में देखो रौनक, देखो केजरीवाल के राज में रौनक, किस चीज़ में रौनक नहीं है? है अपनी बहन बेटी किस टाइम रोड पर इज्जत नहीं थी, आज केजरीवाल के देखो गली गली में कैमरा, कभी बहन बेटी को शौचालय नहीं था, आज देखो घर घर में शौचालय, हर चीज़ केजरीवाल के राज में। आप स्कूल जाते हो, स्कूल देखो किसी टाइम में एमसीडी सी डी किसी टाइम पे बच्चे ने को टेबल नहीं थी बैठने को, आज केजरीवाल के राज में देखो पाँच पाँच मंजिल स्कूल है। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर? हाँ जी पढ़ रहे हैं जी, मेरे नगर, मैं दिल्ली साउथ दिल्ली का रहने वाला हूँ, कापा सड़ा गाँव का, मेरे बच्चे सब कुछ पढ़ रहे हैं वहाँ पे, मतलब हाल ठीक है वहाँ पर? हाँ जी ठीक है जी बिल्कुल। आप दिल्ली से क्या? केजरीवाल से पहले दिल्ली अनपढ़ों का शहर था, अनपढ़ का शहर था बिल्कुल। इतनी सफाई देखी कभी शीला दीक्षित के राज में? दिखाओ बताओ इतनी सफाई शीला दीक्षित के साथ, उसके अलावा कोई और कोई नेता नहीं है? आप इस चांदनी चौक पर चलो, आप उम्र से बड़े हो, आप उम्र से बड़े हो। मैं आपसे छोटा ही हूँ। अरे भाई साहब मैं आपसे छोटा ही होता हूँ, मैं जो उम्र से बहुत बड़े हो, मैं आपसे छोटा ही होता हूँ जो है, मतलब आप क्या करो? शीला दीक्षित के साथ में चांदनी चौक कैसा था आप ये बताओ मेरे को? बीजेपी की बात करता हूँ जो है, हम तो केजरीवाल की कर रहे हैं अपने भाई की, बीजेपी जो होता हूँ मैं, अब की बार बीजेपी आएगी और आप देखना इससे अच्छा होगा दिखाया तो। केजरीवाल बोल टक्कर ले लो, नंबर ले लो, घर के एड्रेस ले लो, आधार कार्ड ले लो और बोलो, अगर दिल्ली का ना हूँ तो बोलो। तो आपको क्या लगता है कि जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, ये स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, एज ए दिल्लियन आपको क्या लगता है? और भी बहुत चीजें हैं तो जो है आप ही बताइए, दिल्ली कितनी सेफ आज के टाइम पे जो है, इतने केसेस दिल्ली का भी ये कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि कैमरा लग गया। अरे यार उन कैमरों को फायदा क्या तो बता दो, दिल्ली में आप सब ज्यादा केस दिल्ली के अंदर हो रहे हैं, लड़कियां सेफ हैं? कैमरे चल रहे हैं क्या? कैमरे चल रहे हैं जी। बड़ा केस हुआ है एक लड़की को इस तरह से बुरी तरह से मार दिया पत्थरों से, लगा लो कहां गए थे कैमरे बता दो आप यार, कहां गया था कैमरा बताऊँ? सरकार केजरीवाल की है ना, क्या हुआ उसके ऊपर कुछ नहीं बताओ? आप यूपी के अंदर जाके देखो, इससे चार गुना बड़ा स्टेट है वो, तो मैं सपोर्टर है ना। और योगी ने क्या संभाल रखा है, योगी ने क्या संभाल रखा है वो देखो आप, क्या करके दिखाया है। दिल्ली तो फिर भी ला लो कैपिटल देश की लगाता हूँ मैं, यहाँ तो फिर भी सबका ध्यान रहता है, वहाँ क्या था? ना बिजली थी, ना आपका ना सड़कें थी वहाँ पे लगा लो, ना कोई कानून व्यवस्था थी। और आज यूपी ने, योगी जी ने इतने बड़े स्टेट को इतना अच्छे से संभाल रखा है, ये होती उपलब्धि लगा लो यार, इससे बहुत डेवलपमेंट यार, ये डेवलपमेंट नहीं है, ये भी ये नहीं पता नहीं है, ये क्या है, ये फ्री वाली मिलने वाली चीज़ों को ला लो, गा रहे हैं कि ये कर दिया वो कर दिया यार, ये दो दिन आपको अभी समझ में आ रहा है, लेकिन आप अरे भाई साहब बोले तो दो जी, लेकिन आने वाले टाइम के लिए आप अपने जो आपकी जो आने वाली जनरेशन है ना उसको क्या देखे जा रहे हो, ये बाद में समझ में आएगा, ठीक है ना? केजरीवाल ने सिर्फ लोगों को ना फ्री की आदत डाली है, ठीक है ना यार, आदमी को फ्री की आदत डालनी चाहिए, तुम लगा लो कि आपको ये फ्री मिल जाएगा वो फ्री मिल जाएगा, लगा लो तुम, ठीक है? क्या लगता है अंकल जी, दिल्ली के हैं आप, दिल्ली के हैं आप, क्या लगता है गुरु, युवा हैं आप, रोजगार के मुद्दे हैं देश के अंदर में कुछ? रोजगार सब पे है, जो करना चाहता है उसके लिए है रोजगार, और जो नहीं करना चाहता उसके लिए 36 बहाने भी हैं। अब जिसको नौकरी मिली वो ठुकरा रहा है तो वो उसकी गलती, अब वो बहाने चाहता है कि नहीं मेरे को 35 नहीं मेरे को 1 करोड़ मिले, तो भाई 1 करोड़ नहीं दे सकती, जितनी अगर तुम्हारी स्किल और एजुकेशन होगी उस हिसाब से पैसे मिलेंगे, और जितनी सरकार दे सकती है रोजगार उतना ही देगी। ये तो है नहीं कि नहीं सरकार अपनी देख सकती है, ये नहीं कर सकती कि नहीं कल को अंबानी अडानी टाटा को बोले कि नहीं ये 50,000 लोग और लगाओ, तो वो तो मना ही करेंगे कि नहीं भाई हमारे पर रोजगार के मौके जो पैदा करना है वो कहीं ना कहीं सरकार के हाथ में है, उनको करना होगा। हाँ तो MNCs कंपनी आई भाई, डिजिटल इंडिया हुआ उससे भी रोजगार हुआ, ठीक है अपना 51,000 पर्चे बांटे गए उससे भी रोजगार हुआ, रोजगार दे सरकार दे रही है, जिसे लेना है वो ले रहा है, जिसे नहीं लेना वो फ्री के में। क्या क्या करते हैं आप? मैं अपना यहीं बिजनेस में हूँ। बिजनेस करते हैं पर जिनके पास बिजनेस नहीं है, मान के चलिए आपके साथी होंगे आपके फ्रेंड्स भी होंगे, वो क्या कर रहे हैं फिर? तो वो कर रहे हैं नौकरियाँ, नौकरियाँ भाई ये सबसे बड़ी बात, अगर एक कमरे में चार लोग रह सकते हैं ना तो चार लोग ही को नौकरी मिल सकती है, ये थोड़ी ना है कि नहीं तुम 8 को नौकरी दे दोगे, तो वही हाल सरकार का है कि अगर चार लोगों को नौकरियाँ अगर उसमें हैं तो 4 ही दे सकते हैं, 8 नहीं दे सकते ना 10 दे सकते, वो बात अलग है, तुम बाकी और कुछ कर लोगे तो।